बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वक्त हमारे पास वली शेख साहब मौजूद हैं, हमने आज इनको बुलाया। हम देख रहे थे इनकी वीडियो मुख्तलिफ पेजेस पे लग रही थी और बहुत सारे लोग देख रहे थे और मुख्तलिफ चीज़ें, और जिस तरह ये परेशान थे या अपनी परेशानी का इजहार कर रहे थे कि मेरी सारे साल की जमा पूंजी चली गई मेरे कुर्बानी के जानवर। तो हमारे आतिफ भाई जैदी रियल इस्टेट के सरबरा, जिन्होंने गिफ्ट दिया है वली भाई आपको, तो वो गिफ्ट आपके सामने खड़ा हुआ है और आपको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। वली भाई कैसी है, कैसा है बचपन? देखे कलर कैसा है वली भाई? जफर भाई, सबसे पहले तो इतना कहूँगा कि माय गॉड, जिस तरह आपने मुझे बुलाया था और कहा था कि यार आपके लिए गिफ्ट है, तो मुझे अंदाजा नहीं था यार क्या आदमी हो। नहीं जरूर यार, ये बताया आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, आपको कसम खुदा की इतने अरसे से जफर भाई मैं चीख रहा हूँ लोगों के लिए, ये जो मेरे आप यार ना आपको जिंदगी दे और बहुत आपको के जफर भाई ने बुला के और आपने मुझे ये बछड़ा गिफ्ट किया और लेने के लिए बछड़ा बहुत जिस तरह ये लोग करते ना, बड़ी मेहनत से कमाते हैं और बड़ी मुश्किल से, और आपके अलावा आपको पता है कि आर्टिस्टों का हाल क्या है। मैं आपकी भाभी से पैसे लेके गया था, जब वापसी आया ना तो उसकी आंखों में आंसू थे मगर खुशी के, कहने लगे अल्लाह ने तुम्हें बचा दिया, ये बहुत है मेरे लिए। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं बाला जितने भी ये हमारे हुकूमती अरकान है और ये इनसे ये कहूंगा कि इतने अरसे से चीख रहा था, किसी ने साथ नहीं दिया। यहाँ सिर्फ फनकार की तब कदर होती है। मैं ये सोचता था कि जब मर जाता है ना उसके बाद फनकार को याद किया जाता है कि यार बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, मगर यार जिंदाबाद जफर भाई, अल्लाह आपको जिंदगी दे। आपको मैं एक और शख्सियत से मिलवाता हूँ, सुने इधर आओ आदिल। इनकी रमजान में निकली एक बिल्डर ने कहा कि हमारी वीडियो तो शेयर करेगा, उसको चार सोने के सेट, एक आईफोन 14 प्रो मैक्स, कार नहीं। उसने कुरानंदाजी की इनकी निकल आई, कार और सोने का सेट और ये। हम तो इनको जानते थे, इनका पेंटिंग का काम है, हमने इनको बुलाया, हमने बोला यार तेरे पास तो दो दो चार चार गाड़ियां, हाथ दिखाए कहा है वो सोने की अंगूठियां, ये सोने की अंगूठियां पहनते हैं, हल्के नहीं आते। ये कितने आईफोन है हाथ में तुम्हारे? अभी ये दो है, दो हैं आईफोन, मुंह में भी गुटका उटका मतलब नहीं, नहीं। टेस्टी गोल्ड है, टेस्टी गोल्ड है। चलो इन्होंने काम क्या किया वो देखे, इन्होंने वहां बोला चाटे गया, मैंने कहा यार ये चार सोने के सेट, गरीब बच्चों की शादियां जेडी सी मंगाते तो इन्होंने कहा दे दिया। मैंने कहा आईफोन तुम रख लो 14 प्रो मैक्स, 5-6 लाख का होता है ना। इन्होंने कहा डन। मैंने कहा गाड़ी यार किसी और को दे दे, इन्होंने उसी बोला डन, दे दी गाड़ी। फिर कुरानंदाजी हुई, एक गरीब आदमी ने गाड़ी और इस शख्स दे दी। कराची के फनकारों को एक बात कहना चाहता हूँ, जितने भी फनकार हैं भाई आप लोग बेआसरा नहीं हो, आपके पास अल्लाह ने एक बहुत अच्छा आसरा दिया है। जितने भी फनकार हैं अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके लिए आपका भाई आपका दोस्त आपके साथ खड़ा है, जो साबित हो गया आज मुझे। अल्लाह इनको जिंदगी दे और तरक्की अता फरमाए और इनके काम में बहुत बहुत भाई को दुआएं दे जिन्होंने गिफ्ट दिया है। और मैं आतिफ भाई का बहुत बहुत मशकूर हूँ आतिफ भाई कि आपने जफर भाई के कहने पर मुझे गिफ्ट किया है। नहीं, हमेशा और, सपोर्ट करता हूँ। बीच में भी बच्चे की ख्वाहिश थी कि मुझे आईफोन 14 प्रो मैक्स चाहिए, मैंने इनको बोला, इन्होंने उसी वक्त, वो राइडर था ना फूड पांडा का, इन्होंने उसी वक्त मंगवाया। तो मतलब तो आप ये देखें कि जफर भाई क्या क्या काम कर रहे हैं कि यार इतने बड़े हुक्का में बाला और किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया, कुछ नहीं बोला, और मैं बिल्कुल दिल बर्दाश्त होके बैठ गया था। मेरी बेटियां जो दो छोटी छोटी है वो मुझे बोल रही थी, कह रहे कि पापा इस बार की हमारे घर पे कुर्बानी नहीं होगी यार जफर भाई, बेटियों को दिखा देंगे आगे। अरे वाह भाई, आप बिलीव करेंगे मेरे जज्बात मुझसे नहीं बोला जा रहा जो आपने किया। मैं हंसाने वाला बंदा हूँ और इन्होंने खुशी के आंसू दिए। नहीं, अल्लाह आपको बहुत खुशी के आंसू दिए, मायूस नहीं हुआ करें। और आप जैसी शख्सियत किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता, किसी मुल्क की सेलिब्रिटीज वीडियोस बना बना के रोएं, गिरिया करें, अपना गरेबान फाड़ेंगे, मेरे साथ ही मुसीबत आ गई और कोई मसला ही बाकी नहीं। आपको मुबारक हो बहुत बहुत, आपके घर में जानवर। थैंक यू भाई, बहुत बहुत। और हाँ, थोड़ा सा मैं ये कहूँगा जफर भाई के पास मैं आया हूँ तो थोड़ा सा इनसे एक काम भी ले लूँ। ईद के दिन से मेरा जफर भाई ड्रामा शुरू हो रहा है, आपको आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से दावत है और जफर भाई के जितने चाहने वाले मेरे जितने
बकरे हुए दीवाने के नाम से। किस जगह लगे थे? आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में 1400। तो एक जोक लोगों को सुना दे, आपने बुलाया तो इतना रोए आप 85,000 रुपए के लिए ना, और बहुत तेज आवाज में रोए। अच्छा, मैं जब इंडिया गया था, जब मैंने सिंगल काम किया था सिकंदर भाई की आर्ट का, तो वहाँ की आपने एंकर तो देखी थी परिजात, बड़ी खूबसूरत थी। तो उन्होंने एक सूट पहना था, मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा परिजात ये सूट कितने का लिया? कहने लगी मुझे क्या पता। मैंने कहा हाँ उसे पता होगा जिसका स्कूटर बिका है। चले भाई, बहुत मुबारक है सर आपको। थैंक यू, एक बार फिर शुक्रिया दोपहर भाई का और आतिफ भाई का। थैंक यू आतिफ भाई, थैंक यू भाई साहब, पूरा नहीं मिल सकते, बहुत लंबे हैं। ये वो है जो शुरू होते खत्म ही नहीं होते। ले भाई आगे आप लेके चले जाए, थैंक यू लेके जाए भाई। थैंक यू दोपहर भाई, थैंक यू, मुबारक हो भाई। थैंक यू सरकार, आपने देखा ये मुझे जफर भाई ने गिफ्ट किया, और मैं ये समझता हूँ कि ये वो शख्स है जो लोगों के मैं वो समझता था कि हम हंसा कर लोगों की आंखों से आंसू चुराते हैं, मुस्कुराते भी करते हैं, मगर ये आदमी हम लोगों की आंखों से आंसू चुरा कर मुस्कुराते भी करता है। ये जो काम हुआ है ये बाय गॉड हर किसी के बस की बात नहीं है, और मुझे वाकई पता भी नहीं था। मुझे फोन करके कहा कि कहना वरी भाई आइए, आपसे कुछ काम है, आपको कुछ गिफ्ट करना है। तो मैं अपने जहन से मैंने कहा पता नहीं क्या मसला होगा, मैं इधर आया और जो मुझे ये खुशखबरी मिली है, और आप यकीन करें मैंने अभी अपने बच्चों को फोन करके बताया तो वो सब इसका इंतजार कर रहे हैं। तो थैंक यू आप लोगों का, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई।